तो इस बार जितने भी फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, यानी कि मार्च के महीना हो गया या फिर फरवरी के महीने, जितने भी फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं सब सरप्राइज के साथ आ रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे अच्छे फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि नोट 7 लॉन्च हो गया था पिछले हफ्ते, और आज लॉन्च हो गया है रियलमी 3। सब बोल रहे थे कि रियलमी 3 और रियलमी 3 प्रो दोनों लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन रियलमी 3 प्रो जो आएगा वो आएगा अप्रैल के महीने में। अभी के लिए जो लॉन्च हो गया है वो है रियलमी 3, और बहुत ही अच्छे प्राइस के साथ लॉन्च हुआ है। और क्या कुछ देखने को मिल रहा है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, टेकी पॉइंट का और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो रियलमी 3 आज लॉन्च हो गया देखने के लिए। जैसे रेडमी का जो नोट 7 है जैसा दिख रहा है वही सेम दिख रहा है, कलर भी लगभग उसी टाइप का डिजाइन का आ रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है, रेडमी नोट 7 में आपको ग्लास वगैरह मिल जाते हैं पीछे की तरफ, सामने की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे आपको प्लास्टिक का सब मिलता है, जो बैक पैनल है प्लास्टिक का आता है, लेकिन दिखने में बहुत ही दोनों सेम लग रहे हैं और मस्त भी दिख रहे हैं, लुक्स वाइज बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले की बात करते हैं रियलमी 3 की, तो यहाँ पे आपको 6.2 इंच का एच डी प्लस वाला डिस्प्ले मिल रहा है। तो ध्यान रखिए ये फुल एच डी प्लस वाला डिस्प्ले नहीं है, लेकिन एच डी प्लस वाला डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल रहा है। और आने वाले वीडियो में आपको ये दोनों फ़ोन का कंपेरिजन बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, नोट 7 और रियलमी 3 का कंपेरिजन बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, एक स्पेक्स कंपेरिजन मिल जाएगा। और जब भी फ़ोन लॉन्च होगा, यानी कि जब फ़ोन दोनों लॉन्च होने वाले हैं, लॉन्च तो हो गया है मार्केट में, जब मिलना शुरू हो जाएगा उसके बाद आपको दोनों फ़ोन का एक फिजिकल कंपेरिजन और टोटल डिटेल कंपेरिजन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, डिस्प्ले आपको बता दिया 6.2 इंच का यहाँ पे आपको एच डी प्लस वाला डिस्प्ले मिल रहा है, फुल एच डी यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। प्रोसेसर की बात करते हैं, हीलियो का P70 प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है, जैसे कि रेडमी नोट 7 में अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है क्वालकॉम की तरफ से 660, तो उसी तरह यहाँ पे आपको अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है। और मुझे लगता है इस बार कंपनी जो भी है, जितने भी कंपनी है, वो टारगेट रहे हैं कि हमारे जो बजट फ्रेंडली पबजी लवर है उनके लिए फ़ोन निकले, क्योंकि देखिए 10,000 के नीचे पहले जो फ़ोन आ रहे थे पबजी उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जो फ़ोन आ रहे हैं, यानी कि जो नोट 7 हो गया, रियलमी 3 हो गया, ये सब अच्छे प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं और 10,000 से नीचे आ रहे हैं, और इसके साथ बहुत ही अच्छी तरह आप पबजी खेल सकते हैं। जी हाँ, कैमरा तो बात की बात है जो फोटो सेल्फी वगैरह खींचते हैं उनके लिए, लेकिन पबजी वालों के लिए बहुत ही अच्छा है 10,000 से नीचे। अभी के लिए मस्त एक ग्राफिक फ़ोन आपको मिल रहा है। जी हाँ, दोनों फ़ोन जो आ रहे हैं, नोट 7 हो गया, ये हो गया, दोनों में आप अच्छे से पबजी खेल सकते थे। तो उसी तरह यहाँ पे आपको P70 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। रैम रोम की बात करते हैं तो दो वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे, 3 GB रैम, 32 GB स्टोरेज, 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, दो वेरिएंट में आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है उसी तरह का आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, पीछे की तरफ डुअल कैमरा का सेटअप मिल रहा है 16+5 MP का, सामने की तरफ आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है। और क्या कुछ मिल रहा है, तो फिंगरप्रिंट वगैरह मिल रहा है, 4G वोल्टी ये सब मिल रहा है, एंड्रॉइड 9.0 के साथ आ रहा है, ऊपर से उनका कलर ओएस का रोम आ जाएगा। आगे बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 4230 mAh का बैटरी देखने को मिल रहा है। और जो थोड़ा बता दो, जो नोट 7 है वहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिल रहा है, और जो कि फास्ट चार्जिंग जो चार्जर होता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल फ़ोन अच्छा है, जब आएगा तो पता चल जाएगा किस लेवल तक अच्छा है, लेकिन अभी तक के लिए जो भी स्पेक्स है, यानी कि प्रोसेसर वाइज बता रहा हूँ मैं, P70 का प्रोसेसर मिल रहा है 10,000 से नीचे मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा फ़ोन हम मान सकते हैं, 10,000 के नीचे अच्छा फ़ोन इसको बोल सकते हैं। तो ये था दोस्तों रियलमी 3 का स्पेसिफिकेशन ओवरव्यू, कैसा लगा जरूर से बताएगा। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा रियलमी 3 के बारे में, और आने वाले टाइम में आपका इसका अनबॉक्सिंग वगैरह जब आ जाएगा मार्केट में, फ्लिपकार्ट में लॉन्च होगा, फ्लिपकार्ट में कब मिलेगा ये, 12 मार्च से ये फ्लिपकार्ट में मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, रेडमी नोट 7 प्रो जो मिला है उसे एक दिन पहले ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन तब तक नोट 7 आ चुका होगा एक वीक पहले, जो कि शायद से 6 को लॉन्च हो रहा है, फ्लिपकार्ट में मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद आपको रियलमी 3 भी मिल जाएगा, और उसके बाद आपको दोनों फ़ोन का एक कंपेरिजन भी देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ इसका प्राइस भी बताते हो, इसका प्राइस जो रखा गया है 9,000 रुपीस रखा गया है 3 GB 32 GB मॉडल के लिए, और 4 GB 64 GB स्टोरेज वाला मॉडल के लिए 11,000 रुपीस प्राइस रखा गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इस तरह वीडियो और देखना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा। मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे थे टेकी पॉइंट यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूँ आपको और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।